जो जिस संकल्प के साथ गठबंधन ने सरकार बनाया है उन सारी चीज़ों को लेकर के चर्चाएं होती रहती है और उसी निमित्त मंत्रीगण के साथ भी चर्चा थी और माननीय मुख्यमंत्री जी से भी मुलाकात की है और जो हम लोगों ने वचन दिया है लोगों को उसको पूरा करने की बात कही है। बहुत सारी बातें उसमें हुई है, लगातार जो फैसले हो रहे हैं उन फैसलों को और गति देनी है और उस पर आगे बढ़ना है। इसी संदर्भ में लिया कुछ बोर्ड निगम वगैरह की भी बात है क्या? नहीं देखिए, बोर्ड निगम तो पहले से तय हो चुका है, सारी चीज़ें वो हमारी आपसी बातचीत हो चुकी है, गठबंधन में कहीं कोई दिक्कत और शक सुबह की बात नहीं है। अब ये है कि सबसे पहले जो राज्य हित है, जो नीचे जमीन पर बैठा व्यक्ति है, जो अंतिम पायदान पर बैठा व्यक्ति है, उसके लिए जो सरकारी योजनाएं हैं वो धरातल तक कैसे पहुंचे, उसके लिए 20 सूत्री का गठन कर दिया गया है। अब उसके बाद 15 सूत्री का गठन होना है, फिर निगरानी का भी गठन होना है, क्योंकि आप लगातार सुनते हैं कई सारी भ्रष्टाचार की खबरें आती है, तो उस कवायद में सभी दल अपने अपने तरीके से लगे हुए हैं। हम समझते हैं बहुत जल्द ये सारी चीज़ें मुख्यमंत्री जी के द्वारा की जाएंगी। गठबंधन में सब ठीक ठाक है, कोई वैचारिक मतभेद तो नहीं? अब इससे बढ़िया तो कुछ नहीं कहा जा सकता है। आप देख ही रहे हैं पिछले 15 दिनों से कोई ट्विटरबाज, कोई हवाबाज, कोई चीज़ नहीं डाल रहा है, तो इसका मतलब सब कुछ ठीक है। और महामहिम जी ने भी कह ही दिया है लिफाफा खुल नहीं रहा है, तो चिपका मतलब हुआ है कि लिफाफे का एपिसोड खत्म हुआ। अब मेरे ख्याल से मेरे ख्याल से इसके बारे में बढ़िया तो महामहिम ही बता पाएंगे कि कब खुलेगा। वो तो बता रहे हैं कि चिपक गया है, खुल नहीं रहा है। जब मुझे बुलाएंगे जरूर मैं खोलूंगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए केएन त्रिपाठी भी आगे आ रहे हैं, ये कहा जा रहा है कि कल नॉमिनेशन करेंगे। देखिए, मुझे इस बात की जानकारी नहीं है। जब भी कोई इस तरह की बात होती है तो निश्चित रूप से प्रदेश को जानकारी दी जाती है। हमसे उन्होंने अभी तक कोई संपर्क नहीं किया है, ना ही उन्होंने कोई इस तरह की बात कही है। नहीं नहीं, क्यों कार्रवाई करेंगे, सबको चुनाव लड़ने का अधिकार है। नहीं 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 नहीं, आप देखिए, ये जो मौखिक प्रस्ताव पास किया गया था वो कोई लिखित नहीं भेजा गया था। हमने अपनी इच्छा व्यक्त की थी कि हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी हैं, राहुल गांधी जी अध्यक्ष बने, इस बात को हम लोगों ने कहा है। और उसके बाद सभी लोग, जब चुनावी प्रक्रिया चल रही है तो सभी लोगों को नामांकन भरने का अधिकार है। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।